गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, लाइव नमस्ते में आप सभी का वेलकम। आई होप आप सब सभी वेट कर रहे होंगे कि कब शिवी महाजन लाइव आएगी और आज के हमारे गेस्ट से आप सभी को मिलवाएगी। मैं हमेशा जब भी किसी गेस्ट से मिलवाने के लिए आप लोगों को लाइव लाती हूँ तो पहले उनके बारे में थोड़ी डिटेल देती हूँ। डिटेल इस बार मैं बिल्कुल नहीं देने वाली। आप लोगों का सोचेंगे कि यार इस बार शिवी मैम कोई डिटेल देंगे, कुछ बताएंगे उनकी अचीवमेंट्स, कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि आई नो आप सब उन्हें जानते हैं, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा इस टाइम मुझे देखिए, मेरे लाइव शो को शेयर कीजिए, लाइव नमस्ते को, ताकि सभी देख सके, एंजॉय कर सके। क्योंकि मैंने आपको बोला था चाय की चुस्की के साथ हम लोग इस शो को एंजॉय करेंगे, बट मैं चाय नहीं लाई हूँ क्योंकि मैं चाय नहीं पी रही हूँ इस टाइम। क्योंकि अगर मैं चाय पीऊंगी तो आप लोगों कहेंगे यार ये तो पी रही है चाय, कुछ नहीं बता रही। तो जो हमारे गेस्ट है गौरव कौंडल, इतना जरूर पता होगा कि वो है वॉइस ऑफ पंजाब, वॉइस ऑफ पंजाब के विनर 2K19 के, जो कि लास्ट ईयर था, बहुत अच्छा हमारा। इस साल तो हम सभी घर में बैठे हैं। उनकी लाइफ के बारे में, उनकी अचीवमेंट के बारे में आप सभी को वो खुद बताएंगे, क्योंकि उनकी स्टोरी जो है, हम में से कई लोग ऐसे हैं जो उनकी स्टोरी से ही रिलेटेड होंगे। बहुत से लोग, बहुत से ऐसे जो स्ट्रगल कर रहे हैं। गौरव कौंडल बिलासपुर से है, बहुत अच्छा शहर है, बहुत अच्छी जगह है, पहाड़ी इलाके हिमाचल का। वो गाना आप सबने सुना होगा, बहुत फेमस हुआ था, हिमाचल वाला हाँ ये तिखावड़। मेरा भी फेवरेट है, मेरे काफी स्टूडेंट्स ने उस पे टिकटॉक बनाई और बहुत अच्छा गया। और मेरे ज्यादातर फ्रेंड्स हिमाचल से है, तो ये हिमाचलियों के लिए वेलकम। सभी आइए लाइव नमस्ते में और लाइव नमस्ते को इंजॉय कीजिए और ज्वाइन कीजिए। ओके, तो थोड़ी देर में गेस्ट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तब तक आप लोग प्लीज जल्दी जल्दी आइए। और जिसका भी सॉन्ग सुनने का मन हो वो सॉन्ग सुन सकता है, क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, जो जो मन में क्वेश्चन हो उनकी लाइफ के बारे में, उनकी इंडस्ट्री कैसी, ये सिंगिंग इंडस्ट्री कैसी है, कितना स्ट्रगल है, कितना नहीं है, कहाँ तक उन्होंने स्टडी करी, क्या करा क्या नहीं करा, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। अपने फेवरेट सॉन्ग्स भी, चाहे वो हिमाचली हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, जो आपका मन करे आप उनसे पूछ सकते हैं। ओके, तो वर्षा को बुलाया जाए। अगर आप लोग वेट कर रहे हैं तो आई थिंक मुझे, मैं चाहूंगी कि फेसबुक पे जैसे जैसे आप लाइव आए और मुझे ओहो हिमाचल तिखा मारो, हिमाचली बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। ओके शिखा मैम, थैंक यू, आप देख रहे हैं, मुझे पता है कि आप कोई शो मिस नहीं करते हो। और ये सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब, आपको पता है घर पे हूँ, घर पे ये सब इन्वायरमेंट रहता है तो किसी को माइंड लगेगा, तो प्लीज आई एम सो सॉरी। गौरव कौंडल बहुत ही अच्छे इंसान, छोटी सी उम्र में अचीवमेंट अचीव करने वाले पर्सन मेरे साथ बहुत सारे हैं। क्योंकि आप सभी को बताऊं, मैंने लाइफ में जितना स्ट्रगल किया, अब मुझे वो लोग मिल रहे हैं जो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, तो मेरे फेवरेट सॉन्ग आज मैं डेफिनेटली सर को बोलूंगी मुझे सुनाए, क्योंकि मैंने सॉन्ग की लिस्ट बना के रखी है कि मुझे कौन कौन से सॉन्ग सुनने हैं। और अगर आपका भी मन हो तो आप लोग भी सुन सकते हैं। लॉकडाउन में कर क्या रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, घर बैठे हैं बस। और चंडीगढ़ में तो आप सबको पता है कि लॉकडाउन हो, कर्फ्यू खत्म हो चुका है, लॉकडाउन शुरू हो चुका है, तो प्लीज अभी भी सेफ, इतना भी हमें आजादी नहीं मिली जो आप लोग घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ओके, तो सर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। ओ हाय हाय, गौरव कौंडल आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? आपका म्यूट है। सॉरी सर, मैं आपको नहीं सुन पा रही हूँ, आई एम सो सॉरी। आई थिंक एयरफोन को आपको चेक करना पड़ेगा, मैं आपको नहीं सुन पा रही हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं सॉरी, म्यूट हुआ हुआ है गौरव सर उनका फोन ना, गौरव सर का। हेलो,
फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी, सर को मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, यस मुझे सर की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो हम जब तक जो हमारे साथ प्रॉब्लम चल रही है टेक्निकल, अभी भी म्यूट है सर का फोन। ओके, तो आई थिंक सर चेक करने गया कि क्या इश्यू आ रहा है। हाय सर, सर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्योंकि मेरे को आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। गौरव सर प्लीज चेक कीजिएगा, उनका म्यूट दिखा रहा है मुझे। चलिए सर, जब तक कनेक्ट कर रहे हैं तो मैं आपको बता रही थी, गौरव कौंडल ही बिलासपुर से है। हेलो, हाय। हाय, फाइनली मैं आपको सुन पाई, आपकी आवाज, आपके गाने सुने हैं अब तक मैंने, तो वेलकम सर लाइव नमस्ते में। थैंक यू सो मच। कैसे हैं सर, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मौसम बिलासपुर में कैसा है सर मौसम? तो थोड़ी थोड़ी गर्मी चली है आजकल, बस वैसे तो ठीक है एनवायरनमेंट। वो एक सॉन्ग है हिमाचल वाला, हायो तिक हमारा, मतलब वो सब हिमाचलियों के लिए है कि थोड़ा बहुत पंजाबियों में भी चलेगा? नहीं, पंजाबियों में भी चलेगा वैसे तो। ओके सर, पूरी प्लानिंग के साथ आए हैं। ओके, पर सर मैं आपसे थोड़ी सी बातचीत करना चाहूंगी, क्योंकि ऑडियंस आपको बहुत पसंद करती है। आप विनर है वॉइस ऑफ पंजाब के, वॉइस ऑफ पंजाब जो कि पंजाब का चैनल पंजाब में हुआ है, मतलब वॉइस ऑफ पंजाब, हिमाचली पर्सन वॉइस ऑफ पंजाब। तो क्या पंजाबी आती है सर आपको? हाँ जी, एक्चुअली मैं स्टडी करता था ऊना, मतलब डिस्ट्रिक्ट ऊना पड़ता है हमारे हिमाचल में, जो कि अटैच है पंजाब से। तो वहां पे पढ़ता ओके, था ननिहाल में, तब करके नहीं पंजाबी पंजाबी, आती है थोड़ी बहुत। या ओके, तो सर अपन बीच बीच पंजाबी बीच भी गाल कर सकते हैं ना, हाँ जी, पंजाबी आती है। ओ माय गॉड, 16 कमेंट्स आपके लिए। हेलो मैम, हाय वेलकम टू सर, हरीश सर आपको वेलकम कर रहे हैं, थैंक गौरव कोने। ओके, यू, हाय हरीश सर, बहुत हाउ बहुत आर यू? शुक्रिया। ओके, तो सर आप, मुझे पता चला आपने मेडिकल में स्टडी करी है और सिंगिंग, मेडिकल हाँ जी, एक्चुअली सिंगिंग, समझ नहीं आया मुझे कुछ यार, नहीं, मतलब मेडिकल एक्चुअली स्टूडेंट और वॉइस ऑफ इंटरेस्ट पंजाब। साइंस में इंटरेस्ट था, तब करके स्टडी करी है मैंने। मतलब +1 +2 में रख लिया था, तो उस टाइम ऐसा था नहीं कि सिंगिंग लाइन कैरियर बनेगा, तो उसी कारण साइंस में भी इंटरेस्ट था, तब करके मेडिकल रखा। वाह गौरव, बहुत अच्छा लगा कि इतनी कम एज में, मतलब आपने अपनी स्टडी को भी बैलेंस किया। फ्रेंड्स, ये उन सब के लिए है जो कहते हैं कि नहीं हमें स्टडी नहीं करनी है, हमें सिंगर बनना है, हमें डांसर बनना है, आर्टिस्ट बनना है, अच्छा हमें ये स्टडी नहीं कंटिन्यू करनी चाहिए। बल्कि आप देखिए, मेडिकल के स्टूडेंट वॉइस ऑफ पंजाब के विनर, क्लैप्स आपके लिए, आपने थैंक बहुत ही यू अच्छा, सो मच, थैंक आपके गाने मैं सुनती हूँ, मैंने वॉइस ऑफ पंजाब देखा है, बहुत ही अच्छा शो, और इतनी कम एज में सर, यू आर जस्ट 24, जी। कब से कर रहे हैं ये? मैं उस टाइम 4th क्लास में स्टडी करता था, तो स्कूल वगैरह से ऐसे गाते थे थोड़ा बहुत, तो मैम वगैरह ने मोटिवेट करा, काफी ज्यादा इंस्पायर करा कि ऐसे ऐसे आपकी आवाज अच्छी है तो गाना चाहिए। तो उस टाइम मेरे चाचू वगैरह जागरण वगैरह भी करते थे, तब करके फिर हमने गाना स्टार्ट करा। जागरण, यार ये जागरण वरना मैंने पहले, मैं अच्छा, जिन्होंने मेरा प्रिंस गर्ग के साथ शो देखा था तो मैं क्लियर कर दूं, मैंने पहले बोलता हिमाचली जागरण जरूर करते हैं, मतलब उनकी लाइफ जो सिंगिंग वाली स्टार्ट होती है ना, वो जागरण से ही होते हैं, जो ये सच है हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ना? तो क्योंकि मैं खुद शिमला से हूं, मैं ये मुझे पता है, ये जागरण वाले जो होते हैं ये बहुत ही ज्यादा टैलेंट से भरे होते हैं। मुझे पता चला पहले आपको जब जागरण करते थे आपको जस्ट 2 मिनट मिलते थे अपने आप का, अपना हुनर दिखाने के लिए। हाँ जी। एक्चुअली 5th क्लास में मैंने स्टार्ट करा था जागरण, और चाचू के साथ जाता था, तो पूरी रात जो कि सिंगर मेन लीड लीड पे सिंगर गाता है, उसके साथ हम बैक कोर्स करते थे सारी रात, तो वेट भी करना पड़ता था। तो 3 बजे मेरे को मौका मिलता था, तो मैं एक एक गाना गाता था, तो उस वो टाइम और हमें 20 रुपीज मिलते थे।
एक साल हाँ, रेंट पे मुझे कुछ। पता चला कि आपको जस्ट 20 रुपीज मिलते थे। गौरव, मैं अभी तक ये सोचती थी कि सिर्फ मैं हूँ जो स्ट्रगल इतना कर रही हूँ, बट बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रगल कर कर अपने आप को आगे शो कर रहे हैं, बहुत अचीवमेंट्स पा रहे। तो वो गाना जो आपने उस जागरण में फर्स्ट टाइम गाया था, क्या आपको याद है? तो हाँ वो गाना याद है मेरे को हो जाए। जरूर। एक्चुअली स्टार्ट करना चाहूंगा मैं माता रानी के भजन से ही, तो जरूर गाना गाऊंगा। मेरी आस मुराद पूरी कर दी थी, मेरी जोड़ी पर दी थी मेरी माँ, अपने चरणा बिच शाम मेहरबानी उस टाइम का ये मैंने पता नहीं 5 7 8 10 साल के बाद ये गाना गाया तो वाह, मतलब आप सोचो, सच में मेरे 2 एपिसोड हुए हैं, ये 3rd एपिसोड हुआ है। तो फर्स्ट टाइम मैंने अपने एपिसोड में भजन से शुरू करा। आई होप ये बहुत अच्छा शो जाने वाला है। तो मुझे एक, आपके पास सर आप कमेंट्स पढ़ पा रहे हैं सबके? कमेंट तो नहीं पढ़ पा रहा हूँ मैं। सर अगर आपके पास एक्स्ट्रा फोन है आप उसमें भी चेक कर सकते हैं, और इसमें भी शो हो रहा होगा आपको। तो एक रूही अरोड़ा है, उन्होंने बोला जय माता दी, और ये मेरा जी हाँ, फेवरेट भजन है, थैंक यू उनका सो मच। फेवरेट भजन। ओके, शिखा मैम भी आपसे बात करना चाहते हैं। उनका है कि आपकी जर्नी, आपके टाइटल्स, अचीव, इन सब के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। एक्चुअली मैं जब छोटा था तो फिर जागरण से मेरा स्टार्ट हुआ था, तो घर की थोड़ी कंडीशन भी उस टाइम, क्योंकि हिमाचल जितने भी लोग हिमाचली हैं तो थोड़ा स्ट्रगल करते हैं आपको पता ही है, तो बिल्कुल, थोड़ा मैं पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। तो उस टाइम फिर जैसे जागरण करते करते करते, उस टाइम ऐसा नहीं था कि शायद मैं +2 भी कर पाऊं, तो इतना था कि कंडीशन थोड़ा सिचुएशन ऐसी थी। उसके बाद मेरे अब फादर जॉब करते हैं मुंबई में, और जैसे जैसे बढ़ता गया और जैसे मेरे को 3 बजे टाइम मिलता था गाने का, उस टाइम से फिर आराम आराम से माता रानी के आशीर्वाद से मैं फर्स्ट नंबर पे भी गाने लगा। वाह, और +1 +2 में फर्स्ट ईयर में, जब फर्स्ट ईयर में हुआ तो एक वॉइस ऑफ हिमाचल होता है हमारे यहाँ, जैसे वॉइस हाँ ऑफ पंजाब होता है, वैसे वहां पे मैं 3rd पोजीशन आया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक अच्छा, मतलब अच्छी प्रिपरेशन की जाए और उस टाइटल को जीता जाए। तो फिर मैंने 2 मंथ में करीब सोया नहीं था और कंटिन्यूटी से रियाज करता था 2 3 बजे तक रात को, और घर वालों का भी काफी ज्यादा सपोर्ट रहता था कि वो कभी बोले नहीं कि आप हमें सोने नहीं देते ऐसा वैसा, तो काफी ज्यादा उन्होंने सपोर्ट भी करा मेरे को। मेरे चाचू जी ने भी काफी सपोर्ट करा आगे लेने के लिए। तो उसके बाद मैंने वो कंपटीशन फाइट करा और वॉइस ऑफ हिमाचल विन करा, जिसमें जज थे हमारे ललित पंडित जी मुंबई से। हाँ मुंबई से। जी, फिर उसके बाद वैसे वैसे मैंने स्टार्ट करा, मेरा फर्स्ट एल्बम था हिसाब सॉन्ग, मतलब जो कि आप यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर,
मैं आप सभी को, हमें जो लाइव इस टाइम हम वॉच कर रहे हैं हमारे शो को, मैं उन सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग यूट्यूब पे भी सर के सॉन्ग सर्च करके देख सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे गौरव कौंडल के चैनल को। और इनके भजनों से जिस तरीके से शुरुआत हुई है हमारे शो की, आई होप बेस्ट जाए। और बहुत, आपने जैसे अभी बोला कि प्लस टू करने की भी उम्मीद नहीं थी, मतलब हाँ इतनी जी कंडीशन बुरी थी घर की, हालात इतने बुरे चल रहे थे, तो उस वक्त कभी मन में कोई सॉन्ग आया हो? उस टाइम तो मैं एक गाना गाता था। एक्चुअली मैं मास्टर सलीम जी को फॉलो करता हूँ और उनको अपना गुरु भी मानता हूँ और मैं सीखता रहता था थोड़ा बहुत, बट एक्चुअली कभी सीखा नहीं। फिर आपको बताता हूँ पहले, फिर उसके बाद एक वॉइस ऑफ हिमालयाज होता है, यस 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 हाँ जी, 2016 में मैंने वो विन करा था, नॉर्थ जोन का होता है वो। तो उसके बाद लगा कि शायद सिंगिंग कैरियर बन सकता है, तो मैंने कैरियर स्टार्ट करा और फिर कैरियर मेरा स्टार्ट हुआ सिंगिंग का। फिर उसके बाद मैं शो भी करने लगा, जागरण भी करने लगा एक अच्छे लेवल पे, और उसके बाद धीरे धीरे और एल्बम्स मिलने लगे, कंपनी से ऑफर लगे मिलने, तब करके फिर स्टडी कर रहा था मैं। ग्रेजुएशन में भी मेरा मेडिकल ही था क्योंकि मेरी यस साइंस। कि आप अभी भी मेडिकल, और अब आप पीएचडी की भी तैयारी कर रहे हैं। मतलब हाँ मेरे जी जी को सबसे अच्छी गौरव कौंडल की ये लगी है, मतलब मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं सीखने के लिए, क्योंकि मैं एक मेंटर हूँ, मैं एक्टिंग मॉडलिंग की हाँ ट्रेनिंग जी भी देती हूँ, तो उनके पेरेंट्स के लिए ये बहुत अच्छी सजेशन है कि आप अपने टैलेंट को भी आगे लेके जा सकते हो और अपनी स्टडी को भी। एग्जाम्पल बहुत बड़ा आप सभी के सामने है, जो मेडिकल जी को चूज करके भी लाइफ में आगे बढ़े, सिंगिंग मेडिकल दोनों एक साथ। सलूट है यार ऐसे बंदों को जो अपनी स्टडी को भी इंपॉर्टेंट दे रहे हैं इस टाइम, और अपने करियर में जो उन्होंने चूज करी है, चाहे वो कोई भी लाइन हो, बहुत अच्छा है। जी और कि एक आपने बोला था कि प्लस टू में जब थे तो मतलब नहीं थी उम्मीद, 20 रुपए आपको जागरण के मिलते थे, हाँ धीरे जी धीरे 20 से आए कि हाँ आगे दिखना शुरू हो गए। पहले रात के 9 बजे से लेके सुबह के 4 4 5 5 बजे तक आप बैठते थे, तो हाँ जी सिर्फ 2 मिनट के लिए आप इतना लंबा सफर। थोड़ा फिर से रिपीट करें, एक्चुअली सुनाई नहीं दिया पूरे प्रॉपर। ओके नॉट ए इश्यू गौरव कौंडल जी, मैं ये बोल रही हूँ कि सिर्फ 2 मिनट के लिए, कि आपको 2 मिनट की टाइमिंग दी जाती थी अपना हुनर दिखाने के लिए, और 9 बजे से लेके 4 बजे तक आप बैठते थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी एक्चुअली मैंने हमेशा ही जब भी कोई कंपटीशन फाइट करा तो उसमें अपना 100% दिया, हमेशा ही 100%। बाकी तो वो माता रानी का आशीर्वाद होता था, उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ और माँ बाप के आशीर्वाद से ही आज यहाँ पे पहुंचा हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो होते हैं हमारे मदर फादर की, अगर उनका बिल्कुल, आशीर्वाद है तो हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। कहीं भी। तो ये आप लोग जो जो हमें वॉच कर रहे हैं इस टाइम हमारे शो को, तो आप इतनी अच्छी बात है गौरव जी कह रहे हैं कि माता पिता का हाथ और भगवान का, जिसको भी आप कर रहे हैं, चाहे वो वाहे गुरु जी है चाहे माता रानी है, जिनको भी आप मान रहे हैं इस टाइम पे। बहुत अच्छा लगा कि आप दोनों को बहुत अच्छे से एक सॉन्ग, ओके ओमकार ठाकुर, ये आपसे एक सॉन्ग की डिमांड कर रहे हैं इस टाइम, मैं अपना जिंदे फेवरेट मेरे, सॉन्ग सुनाता हूँ, मैं अपना जिंदे फेवरेट मेरे। सॉन्ग सुनाता आ गौरव जी, इनकी सॉन्ग की डिमांड है ये, जिंदे मेरी। हूँ। ओके जी ओके, बाकी पहले मैं अपना फेवरेट सॉन्ग सुनाऊंगा उसके बाद इनको ये वाह, ये सुनाता हूँ। बिल्कुल गौरव जी मेरे वाली बात की, पहले अपनी मैं एक फेवरेट जरूर हर चीज रखती हूँ, तो डेफिनेटली गौरव जी फेवरेट सॉन्ग आपका मैं भी सुनना चाहूंगी। तेरा की मैं सर के होने दिल मेरा का लगे ना तेरे बिन।
ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਾਰੀ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਕਰੀਏ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਾਰੀ ਰੱਬ ਸੋ ਗਏ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ ਦੁਆ ਤੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸਰ ਗਿਆ ਹੋਣੇ ਚਾਨਣ ਜਾ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਮਿਲੇ ਢੋਲਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ वाओ, बहुत ही अच्छा। और सबसे अच्छी बात ना, आप खुद उसको एंजॉय कर रहे थे। मतलब मुझे यहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं, वाओ वेरी नाइस, सक्सेस, भक्ति कर रही है कि वेरी नाइस सर। और शिखा जी की भी एक, पहले हम शिखा जी ने भी एक कमेंट किया है आपके लिए, जो वॉइस ऑफ आपका पंजाब था जिसमें आप विनर थे, उसमें आपका जो लकी, जब आप विनर थे एक सॉन्ग करा होगा लास्ट में जो आपके लिए बहुत लकी साबित हुआ होगा, आई थिंक वो आपका फेवरेट होगा, क्योंकि उसके लिए उसी सॉन्ग को करके आप आज जीते हैं, वो आपका फेवरेट भी हो सकता है। और लकी सबसे शिखा जी ने लिखा है, वो आपके लिए लकी रहा होगा। जी जरूर सुनाऊंगा मैं, सुनना चाहते हैं। उसके अलावा मैंने आपको सर बताया था, थे ओमकार ठाकुर, उनकी डिमांड थी जिंदे मेरी। हाँ जी, सो मैं जरूर सुनाऊंगा, जो कि मेरा लकी सॉन्ग भी था, और जो उनकी फरमाइश है जिंदे मेरी है, वो भी मैं जरूर सुनाऊंगा। यार यार हर कोई कहेंदा ओखी बड़ी निभाउणी दा यार बैद की जाने ये हुंदी इश्क बीमारी ओ यार बह गया नैणा दे बूहे आके ओ यार बह गया नैणा दे बूहे आके खुदा दी गल की करिए यार बह गया नैणा दे बूहे आके ओ यार बह गया नैणा दे बूहे आके बह गया नैणा दे बूहे आके खुदा दी गल की करिए सानू लुट्टी लिया ओ सानू लुट्टी लिया सानू लुट्टी लिया नजरां मिला के खुदा दी गल की करिए यार बह गया नैणा दे बूहे आके वाह। तो मैं, आपने इस टाइम हमें 4 to 5 सॉन्ग्स सुना चुके हैं, मतलब ये थोड़ा सा आप सोच सकते हैं कि क्या फील, आप फील क्या, मतलब फील क्या कर रहे हैं सॉन्ग जब आप हमें सुना रहे हैं। हर चीज के पीछे कुछ रीजंस होते हैं, कुछ फीलिंग्स होती है। अब मैं डांस भी करती हूँ, तो जब मैं डांस करती हूँ जुनून होता है मेरे अंदर, पागलपंती होती है, और मैं कुछ अपनी ऐसे मोमेंट्स याद करती हूँ। तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, आप क्या चीज याद करते हैं जब आप सॉन्ग
सिंग करते हैं? एक्चुअली मैं जब भी गाना गाता हूँ तो पूरा फील से, क्योंकि हमेशा मैं सीरियस काफी ज्यादा रहता हूँ, क्योंकि सिचुएशन ऐसी आई होती है जिंदगी में, तो उसी कारण वो थोड़ा फील सा होता है कि जब मैं छोटा सा होता तो मैं आपको बात बताता हूँ, वो चीजें मैं फील करके गाता हूँ अपने माँ बाप के लिए। जब छोटा सा था तो मेरी मम्मी जो होते थे वो उस टाइम खाना पकाते होते थे और हम स्कूल जाते थे, तो ऐसा टाइम भी था कि जब छोटे होते थे, 5th और 6th क्लास में पढ़ता था मैं उस टाइम, तो उस टाइम फीस वगैरह नहीं होती थी हमारे पास, तो मम्मी क्या करते थे कि जाते थे और जितने भी घर थे हमारे उनके पास जाते थे और मांग के लाते थे वो फीस और मुझे देते थे। तो वो चीज, वो टाइम याद आता है उन चीजों को सोच सोच के कि नहीं, मैंने मदर फादर के लिए, वो उन्होंने हमारे लिए बहुत ज्यादा कष्ट सहे हैं, तो उन चीजों के लिए कि अच्छे से अच्छा करूं और वो चीजें फील करके आज मैं गाता हूँ, और टाइम भी वो याद आता है जो गरीबी का टाइम था हमारा, आज तो माता रानी के जैसे सब कुछ है। सो उन्हीं चीजों को, और कुछ बहुत सारी सिचुएशन आती हैं आपको पता ही है, तो उसी कारण मैं फील करके हर चीज गाता हूँ। मतलब अपने दुख, अपना बुरा वक्त, कहा जाता है जहाँ बुरा वक्त चलता है कुछ सालों बाद जरूर अच्छा वक्त आता है, पर आता जरूर है। मतलब भगवान है दुनिया में, वो अच्छा बुरा सब देखता है, और कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं। ये मेरा मानना है, मुझे नहीं पता पब्लिक क्या सोच रही होगी कि मैं ये क्या बोल रही हूँ, या आप क्या सोचते हैं। जब तक बुरा नहीं दिखेगा अच्छे का पता नहीं चलेगा, और जब तक अच्छा नहीं दिखेगा बुरे का पता नहीं चलेगा। ये मेरी सोच है, तो शायद ये सभी को ये पता होगा कि जब तक दर्द नहीं होगा तो फील कैसे होगा। सही बात है। भगवान बहुत ही ज्यादा, मैं गौरव कौंडल, मैं अगर अपनी लैंग्वेज में बोलना चाहूँ ना, मतलब कि जैसे मैं सबसे बात करती हूँ, भगवान बहुत ज्यादा चालाक है यार। इसने सोचा कि यार अगर मैंने सुख दे दिया तो इनको तो कोई दिक्कत का पता ही नहीं चलेगा लाइफ में, कि पैसा क्या होता है, खाना क्या होता है। तो आपके लिए एक और कमेंट आया, आपको जो बोला था वो वाला, हरे एनी डिफिकल्टी फेस इन सिंग, पहाड़ी सॉन्ग सुनना चाहते हैं शिव कुमार आपसे, जरूर पहाड़ी। सुनाना चाहूंगा हिमाचल के लिए। पर प्लीज अगर आप मेरी मेरे लिए गौरव कुंडल प्लीज हिमाचल वाला, मैं बहुत वो गाना सुनने के लिए एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि मुझे ये गाना सुनना है। चाहे आप लास्ट में सुना दीजिएगा शिव कुमार का मैं सॉन्ग ये पहाड़ी। वो जरूर सुनाऊंगा आपके लिए जरूर, एक एक आधी लाइन आती है, ज्यादा तो मेरे को आता नहीं, बट कोशिश जरूर करूंगा। ओके ठीक है। सिर्फ पहाड़ी पहाड़ी सॉन्ग अपने हिमाचल के लिए। चला है तो हमारे हिमाचल में काफी ज्यादा मेले होते हैं तो बंद हो गए कोरोना की वजह से। बेले नहीं कह सकते, हिमाचली बहुत काम करते हैं, मैं ये बेले से एग्री नहीं हूँ। उनका स्ट्रगल नहीं हमारे ऐसा साथ, नहीं, आपको थोड़ा सुनाई कम दे रहा हूँ, एक्चुअली मेले कह रहा हूँ मैं, जो कि स्टार नाइट वगैरह बजता है सुना, मेले, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो भी सॉरी बोलूंगा वो सॉरी मुझे गलत सुना, जी
ड्यू टू कोरोना की वजह से वो सारे डिले हो गए, क्योंकि कोरोना वायरस इतना ज्यादा फैल चुका है तो उसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन ने वो बंद कर दिए। तो उसके गाना गाना चाहता हूँ कि जो कि मेरा फेवरेट हम जाते थे जैसे। थैंक यू गौरव कौंडल जी, बहुत ही अच्छे, क्या बात है, थैंक्स। आपको थैंक्स भी बोल रहे हैं और आपके लिए सॉन्ग्स की डिमांड बढ़ी जा रही है, और पर मैं चाहती हूँ कि हम सॉन्ग्स के साथ साथ इनके बारे में भी जाने, फिर इनकी आपकी लाइफ के आवाज बारे कम आ रही है। हाँ में। आवाज कम, 1 मिनट, 1 मिनट सर, बिल्कुल हेलो, भी आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप मेरे को सुन पा रहे हैं? ओके, मैं ये कहना चाह रही हूँ, प्लीज आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बहुत सारे सॉन्ग्स की डिमांड आ रही है, पर मैं चाहती हूँ उन सॉन्ग्स के साथ साथ हम गौरव कौंडल की लाइफ के बारे में जाने, क्योंकि इनकी लाइफ से बहुत ही इंस्पायर हुई हूँ मैं, बहुत से बच्चों को इंस्पायर करने वाली हूँ मैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप जो गुरु, मतलब कहा जाता है हर किसी के पीछे कोई कामयाब पर्सन, कोई किसी ना किसी का हाथ होता है कामयाबी के पीछे, तो ज्यादातर हाँ लोग जी, तो कहते हैं कि हमारे पीछे, हमारे कामयाबी के ऊपर जो हाथ रखने वाला वो मेरी माँ है या मेरी वाइफ है, कोई कहता मेरी गर्लफ्रेंड है, कोई कहता मेरा हाँ प्यार है, जी सब ना सब बोलते हैं एक औरत का हाथ होता है, पर मैं जी पूछना चाहूंगी आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है, आपके गुरु, आपकी माँ, आपका प्यार, जी फैमिली, दोस्त, कौन? वैसे तो सभी का, बट एक इंसान मेरे चाचू, जिनका काफी ज्यादा मुझे सपोर्ट रहा। उन्होंने मेरे को काफी ज्यादा, मतलब एक्चुअली हम हिमाचली होते हैं तो विलेज से बिलोंग करते हैं, तो उतना पता नहीं होता थोड़ा बहुत जब स्टार्टिंग करते हैं अपने कैरियर की। तो मुझे मेरे चाचू ने, मतलब चलना बैठना उठना जैसे सब कुछ सिखाया कि कैसे कैसे, तो उन्हीं ने काफी ज्यादा प्रमोट मेरे को करा आज तक। तो उसके बाद तो फिर काफी ज्यादा लोग मिलते हैं जो कि प्रमोट करते हैं। एक भैया और भी हैं, विनोद भैया, उन्होंने भी काफी ज्यादा प्रमोट करा। और बीच में कुछ ऐसे भी किस्से होते हैं कि वो भी काफी ज्यादा प्रमोट करते हैं, तो थोड़ा बोलूंगा नहीं मैं उसके बारे में। उन किस्सों को हम बिल्कुल हाइड करके रखना चाहते हैं, क्योंकि सबकी लाइफ में वो किस्से जरूर होते हैं, पर
वो किसे हमें नहीं बताने चाहिए, क्योंकि वो छुपा के रख के उनका जवाब देने के लिए हम सब रेडी होते हैं हमेशा, पर कुछ करके दिखाएं तो ज्यादा बेटर है। और आपके हाँ चाचू, जी ये चाचू वर्ड है ना, ये मेरी जिंदगी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ये चाचू पर्सन जो आपकी लाइफ में है ना, मेरी लाइफ में भी एक ऐसे पर्सन है चाचू। बट हाँ जी चलिए, बहुत अच्छा। आपके गुरु, मैं मेरे आप मुझे गुरु बता, जिनसे एक्चुअली क्या हुआ कि ग्रेजुएशन मैंने हिमाचल में करा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर कॉलेज से, और उसके बाद मैंने सोचा एक साल ड्रॉप करा। एक्चुअली साइंस मेरी जूलॉजी मेजर में मैंने ग्रेजुएशन करा था बीएससी, तो उसके बाद मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, क्या समझ, थोड़ा माइंड ऐसे डिस्टर्ब था। तो उसके बाद ड्रॉप करा और सारी जगह पता किया, क्योंकि साइंस में ऐसा होता है कि आपका माइनर सब्जेक्ट होना चाहिए म्यूजिक, तभी आप आगे मास्टर डिग्री कर सकते हैं। तो मेरे पास वैसा माइनर नहीं था, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा मेरे सर ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे एपीजे कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स, जहाँ से मैं अभी एमए मेरा लास्ट ईयर है, म्यूजिक में कर रहा हूँ। फिर मैंने लाइन चेंज कर ली और प्रोफेशनली अपनी लाइन में आ गया। और उसके बाद जैसे ही कॉलेज में गया तो मुझे वहाँ पे जो नेचुरल जो कि मेन सिंगिंग होती है वो पता लगा। पहले मुझे वो पता नहीं था, ऐसे गाता था शौक का। उसके बाद वहाँ काफी ज्यादा सीखा, और मेरे सर हैं गुरुजी जो विवेक वर्मा, डॉक्टर विवेक डॉक्टर वर्मा जी। हाँ विवेक जी वर्मा और जी। हाँ जी और मैम अमिता मिश्रा जी, जिन्होंने जो कि सुगंधा मिश्रा के मम्मी हैं, आपने सुना होगा कॉमेडियन जो कॉमेडियन, सुगंधा मिश्रा। हाँ जी हाँ जी जी हाँ जी हाँ जी। फिर हाँ जी उनसे काफी सीखता हूँ। फिर जैसे ही मैं कॉलेज में गया तो उन्होंने काफी ज्यादा मेरे को चीजें बताई, और उसके बाद में वॉइस ऑफ पंजाब का ऑडिशन दिया, और उसमें शायद 36,000 लोग थे। हाँ 36,000, मतलब हमारे जी शो जो वॉच कर रहे हैं, प्लीज उम्मीद दिखानी चाहिए। मुझे ये भी पता चला गौरव कौंडल जी कि बहुत बार कुछ कॉम्पिटिशन्स में गए, नहीं हाँ जीते, जी विनर जी जी नहीं बने, बट हिम्मत नहीं हारी कभी आपने। हाँ जी एक्चुअली मैंने कभी पहले तो कई कई बार ऐसा होता था कि एक्चुअली आपको पता है कि जैसे ही कंपटीशन में जाते हैं तो लाइनों में खड़े होना पड़ता था, 4-4, 5-5 हज़ार लोग होते हैं, तो उसमें कभी कभी ऑडिशन क्लियर होते थे, नहीं होते थे, तो मैं वापिस घर आ जाता था, तो ऐसे थोड़ा दिल उदास होता था कि अब नहीं दूंगा। बट अंदर से एक फिर से आवाज आती थी कि जैसे ही गुरुजी कहते थे कि अगर बेटा आप ग्राउंड छोड़ दोगे, अगर ग्राउंड पे रहोगे तो 6 बॉलों में से एक आधी बॉल को तो आप टच करोगे ही करोगे। तो वैसा सोच के मैं हमेशा ही आगे बढ़ा कि कभी ना कभी तो होऊंगा ही। फिर जब मैं वॉइस ऑफ पंजाब का ऑडिशन दिया तो मेरा नंबर था 1325, ऐसा कुछ नंबर था मेरा। तो सारी दिन खड़ा होके वहां पे वेट करना पड़ता है, और रात को 7 बजे तक मेरा नंबर आया था। तो फिर मैंने ऑडिशन दिया और वहां से सिलेक्ट हुआ तो काफी अच्छा लगा। फिर आगे मेगा ऑडिशन में गया तो सोचा कि मैं टीवी राउंड तक आऊं, वही काफी है मेरे लिए। सो माता ओके, रानी के मतलब आशीर्वाद। गौरव जी आपने सोच लिया था कि बस टीवी तक दिखना है, दैट्स इट, उसके आगे हाँ मेरा कोई हाँ प्लान जी जी नहीं। जी उसके बाद सोचा कि टीवी तक आ जाऊं, बहुत है, काफी है। बट उसके बाद ऐसा है कि अच्छे से मेहनत करना स्टार्ट करा, और शायद 2,000 हम लोग सिलेक्ट हुए थे मेगा ऑडिशन के लिए, तो उसमें से 21 सिलेक्ट करने थे। हाँ माय गॉड, जी मतलब जी आप लोग जो भी मेरा लाइव शो इस टाइम वॉच कर रहे हैं, पहले तो इसको शेयर कीजिए, वॉच पार्टी कीजिए जरूर, और लाइक, ओके, कमेंट्स कर रहे हैं सभी तो लाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे से इस टाइम लाइव जुड़ चुके हैं गौरव कौंडल जी, जो अपनी सिंगिंग की दुनिया में आप लोगों को ले चुके हैं। इनके गाने और इनकी आवाज सच में बहुत मीठी है, बिल्कुल इनकी तरह जैसे भोले भाले से। क्या आप सच में इतने भोले भाले हो? हाँ जी एक्चुअली मेरा नेचर स्टार्टिंग से ऐसा ही रहा। ये गौरव नाम के सारे ही ऐसे होते हैं कि मेरे हस्बैंड भी इतने शरीफ है और मुझे एक सेकंड पर्सन मिला, वो जी भी ऐसे ही है। ओके गौरव जी, एक डिमांड आई है सॉन्ग की। ओके, कुमार साहिल, जो आप कुमार साहिल सर को जानते होंगे, हाँ जी हाँ जी उन्होंने हाँ जी ब्लेस भैया आपने काफी ज्यादा प्यार। है, वो इस शो को वॉच कर रहे हैं। उसके अलावा शिखा दीर आपसे एक सॉन्ग की डिमांड कर चुकी हैं, और तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा। ओके शिखा जी, किसको याद कर रहे हैं आप? तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा।
जरूर सुनाऊंगा। और कुमार साहिल भैया, काफी ज्यादा इनसे मेरा प्यार है और इनका आशीर्वाद भी मेरे को काफी ज्यादा मिला है। ये काफी ज्यादा ब्लेसिंग्स और काफी अच्छे सिंगर हैं हमारे हिमाचल के, बहुत अच्छे। मैं इनको जानती हूँ, ही इज अ वेरी ग्रेट पर्सन एंड बहुत स्मार्ट है वो, बहुत हाँ नाइस। थैंक यू जी, कुमार साहिल जी, गौरव जी, आपके लिए इतना कुछ मीठा मीठा बोल चुके हैं। तेरे बिन नहीं लगना दिल जानिया जानिया तू भी सिख कदी दुख सुख बोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। कुछ करे बदला तो सीने विच लग ला के लंघ गईया कई बरसाता, कुछ करे बदला तो सीने विच लग ला के लंघ गईया कई बरसाता, तुर गए सजना नींद रखो के, तुर गए सजना नींद रखो के, जाग के कटी यारत आदि जाना सिता वासिता प्यारे दा ए रुता सोनिया मुड़निया। ओके 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 ओके, आई थिंक नेटवर्क। तेरे दिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, थैंक यू सो मच। प्यारा सॉन्ग शिखा मैम, थैंक यू। ये सॉन्ग आपने बोला कि सर गाए और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा यार। थैंक यू मैं क्या जी, सीख सकती हूँ? जरूर जरूर। ऐसे तो मैं कोशिश ही कर रहा हूं, अब मैं क्या सिखाऊंगा आपको, बट जो भी थोड़ा बहुत होगा। ओके, जी मेरे को शिखा मैम ने, मैंने अभिमन्यु भाई, अभिमन्यु सर रॉय, अभिमन्यु रॉय सर भी वॉच कर रहे हैं। हाय सर, हाउ आर यू, क्या बात है, गॉड लव यू मेरे भाई। मैं थैंक्स करना चाहूंगा अभिमन्यु भैया का भी। मतलब मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि उनकी वजह से मतलब गौरव भैया से और आपसे मेरी मुलाकात हुई, तो उनका भी बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगा अभिमन्यु भैया का, जिनकी वजह से आज मैं आपके साथ जुड़ पाया। सो थैंक यू सो मच भैया, लव यू टू। ओके अभिमन्यु सर, वो आपके लिए थैंक यू। हरीश जसवाल, बहुत प्यारा भाई भाई, थैंक यू, ओके हरीश सर आपको बहुत प्यारा भाई बोल रहे हैं। अभिमन्यु सर, थैंक गौरव सर, गौरव महाजन जो मेरे हस्बैंड है, जो हमें इस टाइम जोड़ पाए, एक साथ हम बात कर सके। और जी, दूसरे हरीश जसवाल, ये तीन पर्सन इस शो को हैंडल करते हैं। मैं तो जस्ट एक होस्ट हूँ जो आप सबको इनसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ, मिलाती हूँ। जो कहा, अच्छा मैं आपको, गौरव जी आप बहुत सारे शोज करते हैं, आप शो जी करते हैं, लाइव शोज भी करते हैं, बैंड, मतलब आपको पता चला आप बहुत सारे लाइव शो करते हैं, आप पंजाबी सॉन्ग्स करते हैं टीवी के लिए, यूट्यूब चैनल्स के लिए, बहुत सारे आपके सॉन्ग्स आपकी स्टोरी से रिलेटेड होते हैं या कहीं से कोई राइटर्स आपको जैसे सॉन्ग दे देता है, कभी खुद के सॉन्ग लिखे हुए भी होते हैं कुछ ऐसा? कुछ सॉन्ग तो राइटर देते हैं, मैक्सिमम राइटर, बाकी थोड़ा बहुत जो कि भजन वगैरह वो मैं अपने आप लिखता हूँ, और कुछ थोड़े से सॉन्ग हैं जो कि मैं लिखता हूँ ऐसे शौक के, शौकिया तरीके से थोड़ा बहुत। मतलब आप शौकिया तौर पे अपने सॉन्ग्स भी लिखते हैं, वाह। हाँ जी ओके अभिमन्यु सर, अभी मेरे भाई एक अच्छा सा गाना,
ओके, अभिमन्यु सर के लिए एक अच्छा सा गाना। ठीक है। ये मेरा फेवरेट गाना है, अभी मैंने भी अकेले गा रहा हूँ। तू सजना रब दे ना ते ओंदे जांदे सा, तू सजना रब दे ना मरगा ते ओंदे जांदे सा, तेनु पाउण लई असी वे सजना, तेनु पाउण लई असी वे सजना, कर की नहीं सकदे तेरे बिन मरता सकदे तेरे बिन जी नहीं सकदे, तेरे बिन मरता सकदे तेरे बिन जी नहीं सकदे। ये मेरी लाइन एक फेवरेट है, क्योंकि जब कुछ ऐसा हादसा होता है तो पर्सन सिंगल रह जाता है, कैसे भी कुछ भी आप समझते हो स्टोरी को, तो वो लाइनें मेरी फेवरेट है, तो मैं आपको सुनाऊंगा। कल्ले खैरिया सजना कोई गल ना ले लौंदा नी ओए, सो तेरी दुख दाते कोई दर्द बांधा नी, हुण तेरे बाजू दिल दे जख्मां नूं, तेरे बाजू दिल दे जख्मां नूं कल्ले सी नहीं सकदे, तेरे बिन मरता सकदे तेरे बिन जी नहीं सकदे, जिंदगी है तेरे नाल तू मेरा एक यार, आ जावे माही मैनू तेरा इंतजार, हो दिल तेरे नाम मेरी जान तेरे नाम, हो तेरे नाल सुबह मेरी तेरे नाल ही हो, गल मेरी क्यों नी मनदा माही दे, जिंदगी है तेरे नाम तू मेरा है प्यार, आ जावे माही मैनू तेरा इंतजार। बहुत सारी क्लैपिंग्स मनीष कुमार जी, आपको बहुत थैंक यू लिख रहे हैं, प्रमोद राणा वॉच कर रहे हैं, वो मेरे नॉन है, बहुत अच्छे पर्सन है, प्रीति सिंह, बहुत सारे लोग इस टाइम आपको वॉच कर रहे हैं। ओके, मैं बात शुरू करने से, आपको पता है मदर्स डे है 10th of May को, मदर्स डे शायद मैं भूल गया होगा, माइंड से स्किप हो गया, कोई इशू नहीं, बहुत कम लोगों को पता होता है, शायद जो मम्मियां होती है उन्हें जल्दी पता चल जाता है कि मदर्स डे है। तो मदर्स डे सब लोग अपने अपने घर में अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, कोई मम्मा को गिफ्ट लाके देगा, कुछ खाना बना के देंगे, कुछ ना कुछ चलेगा, तो आपका क्या प्लान है? अब तो मैंने बता दिया आपको, मैं अपनी मम्मी के लिए एक गाना गाना चाहता हूँ जो मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। So, सभी जितने भी मेरे को देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, जितनी भी माएं, हाँ जी, वो सभी मेरी माएं हैं, तो उनके लिए डेडिकेट कर रहा हूँ ये गाना। ओके, मैं बता दूं गौरव जी,
बच्चे माँ दा देन नहीं दे सकदे, माँ कई कई लाड मिडोंदियां नी, गिल्ली थां ते पैंदियां आप मां, सुखी थां ते पुत नूं पौंदियां। मैं किवें भुलावां प्यार तेरा, तेरी ममता उठी दुलार तेरा, खुद चल मेरी तत्तिया मैनू करके ठंडी छां, हर जन्म देने नहीं दे सकदा तेरे एहसाना, हर जन्म देने नहीं दे सकदा तेरे एहसाना। बचपन भी अज में नहीं भुलिया, ना भुलिया यो ना चाहनू, मेरी मां बदली बदल के रख दी सी, ना भुलिया यो ना नानू, कहते मिठिए मिठिए कहती सी, कद कहती सी सोना, हर जन्म देने नहीं दे सकदा तेरे एहसाना। आपने मुझे सामने के थ्रू में, माँ मेरे सामने मुझे लग रहा है कि बैठे हैं, और मैं बहुत रेयर मम्मा से मिल पाती हूँ, और मैं मम्मा के साथ साथ अपने मदर इन लोगों को भी आज मिस कर रही हूँ। तो एडवांस में दोनों को हैप्पी मदर्स डे, और सभी मम्मियों को बच्चों मदर्स डे है, हैप्पी मदर्स डे। 10 मई को मदर्स डे है, तो सबने सेलिब्रेट करना है, और अपनी अपनी मम्मा को जैसे आप चाहे विश। ओके फाइन, ओके सर, एक आपको जब आपने पंजाब वॉइस ऑफ पंजाब विन किया था, तो आपको कैश प्राइज मिला था 1 लाख। जो पर्सन 20 रुपए कमाता था दिन के, वो भी 10-10 घंटे बैठ के, वो 1 लाख रुपए कमाए उस पर्सन ने जी जी अपने टैलेंट के थ्रू। मतलब उस 1 लाख रुपए को कमा के क्या फील हुआ, वो फीलिंग्स, उससे क्या आपने 1 लाख का क्या किया, मम्मा को दिए, बैंक में डाला, या फिर शॉपिंग करी, क्या उसका? क्या एक्चुअली जब जीता था तो मम्मी भी साथ में ही थे, तो बहुत खुशी हुई थी मेरे को उस टाइम। मुझे उम्मीद नहीं थी, बट ऐसा होता कि मैंने जब भी परफॉर्म करा तो अपना 100% दिया हमेशा ही, जीतने का मैंने कभी रखा नहीं, हमेशा उस माता रानी पे डोर रखी कि जो मैं अपना 100% दूंगा, बाकी जो माता रानी करेगी वो मेरे लिए बेस्ट है। सो उस टाइम मैं जीता, सो बहुत ज्यादा मेरे को खुशी हुई। मेरी मम्मा भी उधर ही थे और मामा वगैरह भी थे, तो काफी ज्यादा सभी ने मुझे प्यार मिला सभी का, और मेरे सभी ने काफी ज्यादा सपोर्ट करा मेरे को, हिमाचल से भी बाहर तक भी काफी ज्यादा सपोर्ट करा। तो मेरे थे, जब मैं जीता था तो 4.5 लाख मेरे वोट थे, और जो सेकंड लड़का था उसके 395। तब करके मेरे को काफी ज्यादा खुशी कि हिमाचल ने काफी ज्यादा सपोर्ट करा पंजाब से। पंजाब में एक सबसे अच्छी बात की टैलेंट का बहुत ज्यादा, टैलेंट की बहुत ज्यादा कदर करते हैं लोग, तो वो भी काफी ज्यादा अच्छा लगा। और उसके बाद काफी ज्यादा नाम मिला, और जब मैं 20 रुपीज कमाता था तो आज ऐसा दिन है कि आज मैं एक शो के 1 लाख रुपए भी लेता हूँ माता रानी के आशीर्वाद से, तो काफी अच्छा लगता है। और वो पैसे मैंने उनसे अपना घर बनाया था। वाह, मतलब
कोई शॉपिंग नहीं, कोई गिफ्ट्स नहीं, कुछ नहीं कि हाँ जिस चीज की कमी थी लाइफ में, घर, अपना घर। ये अपना घर जो है ये सबके लिए बहुत जरूरी है, सब इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, और आपने अपने टैलेंट के थ्रू बनाया। बहुत ही प्राउड मोमेंट होगा वो वक्त, वो टाइम, मोमेंट, वो पल जिस टाइम आपने ये कैश प्राइज जीता और हमारे देश का नाम रोशन किया। हरीश जसवाल कह रहे क्या बात है भाई, मेकिंग एवरी हिमाचल इंडियन, यू हैव अ फैमिली प्राउड। आपकी फैमिली हिमाचल, पंजाब, हमारे भारत को आप पे प्राउड है। बहुत ही अच्छे सिंगर, बहुत अच्छा लगा। ओके, और जैसे आपने बताया आप मास्टर सलीम को फॉलो करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जब मैं, ये मेरा क्वेश्चन है एक्चुअली आपसे, कि हमें जब किसी को फॉलो करना होता है तो कितना फॉलो करना चाहिए कि हम उनके जैसे हो जाएं, या उनके कुछ पॉइंट्स ही फॉलो करने चाहिए हमें लाइफ में। ये क्वेश्चन मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमें वॉच कर रहे हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है क्योंकि सब किसी ना किसी को फॉलो करता है। जी, हर एक बंदा, मतलब जो भी बच्चे होते हैं, हम भी फॉलो करते थे, बट जैसे ही टाइम, जैसे आप कुछ अचीव कर लेते हैं तो उसमें से कुछ अच्छी चीजें, मतलब अपनी वोकल को ऐसा स्टाइल ना दे दें कि आपको फिर बाद में दिक्कत होती है, और जैसे ही आप किसी टैलेंट रियलिटी शो में जाते हैं तो वहां पे दिक्कत होती है, जजेस भी बोलते हैं कि आप उनकी वोकल में बना के गा रहे हैं, सो वो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है। तो हमें हमेशा ही, जैसे हम फॉलो करते हैं तो उनकी जो अच्छी चीजें हैं वो हमें लेनी चाहिए, बट वोकल उस स्टाइल का नहीं बनाना चाहिए। हमें अपने वोकल में, हमेशा अपनी वोकल बनाने में, जो कि अपनी क्वालिटी है, एक यूनिक, उसको बना के चलना चाहिए, तभी हम मतलब कि फेमस हो पाते हैं, लोग हमें जानने लगते हैं अपनी आवाज से। तो जैसे ही मैं गाता था उस टाइम, हाँ उस टाइम मैं गाता था 10th प्लस 2 तक, मैंने उनकी वोकल में, मैंने जैसे वो गाते थे वैसा ही मेरा स्ट्रक्चर था एक गाने का। उसके बाद जैसे जैसे लोगों ने बोला कि ऐसे ऐसे मैं कंपटीशन फाइट करा, तो उस टाइम से फिर मैंने अपनी वोकल में गाना स्टार्ट कर दिया। एक अपने जो अंदर टैलेंट होता है, अपनी वोकल जो होती है उसको पहचाना और उसमें गाने का, और जब भी गाया तो अपनी चीज बना के गाना, वो सबसे बड़ी चीज होती है। बहुत अच्छी बात है। तो मैंने पहले ही कहा था, जो जो हमें वॉच कर रहा है मेरे एपिसोड को लाइव नमस्ते को, तो इसको शेयर कीजिए, वॉच पार्टी कीजिए, क्योंकि हमारे साथ सिंगर जुड़ चुके हैं गौरव कौंडल जी, जो अपनी लाइफ की स्टोरी भी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, स्ट्रगल शेयर कर रहे हैं, कितना स्ट्रगल किया है इन्होंने, उसके अलावा क्या अचीव किया, कितनी अचीवमेंट्स की वो भी शेयर करी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो उन्होंने आज आप सबको सिखा दी होगी, फॉलो कीजिए, फॉलो करिए हर किसी को, चाहे वो आपके मम्मा है, आपको मम्मा जैसे बनना है, पापा जैसे बनना है, किसी स्टार जैसे बनना है, पर उनके एक्टिंग या उनके सिंगिंग को अपना अंदर इतना भी डीपली मत घुसाइए कि आपकी पहचान गुम हो जाए, आपको अपनी पहचान बनानी है। तो ये चीज प्लीज, जो वॉच कर रहे हैं, जो आर्टिस्ट है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, अपनी पहचान बनाइए, बहुत जरूरी। तो आप गर्व जी, एक सॉन्ग मैंने आपको पहले ही बोला था जो मेरा फेवरेट है, ओके, पब्लिक जो जो ये वॉच कर रही है अपनी डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि 15 में हमारा शो। हाँ जी, जी, जी। ओके, तो जितने आप लोगों के फेवरेट सॉन्ग्स के आप डिमांड कर सकते हैं, गौरव सर बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग हमें सुना रहे हैं, मुझे बहुत मजा आ रहा है। कोई अपने प्यार के लिए, कोई अपनी दोस्ती के लिए, कोई अपनी फैमिली के लिए, जो सुनना चाहिए सर से, आज सर बिंदास सुना रहे हैं आप सबको, ये मौका मत गवाइएगा। ओके सर, कोई ऐसा सॉन्ग जो, जैसे कोरोना आजकल चल रहा है, सबका ये कहना है घर पे बैठो, दवाई जो वैक्सीन है बन जाएगी, इंडिया स्ट्रगल कर रहा है, अमेरिका स्ट्रगल कर रहा है वैक्सीन के लिए, बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इस टाइम, डॉक्टर, हाँ जी, हमारी आर्मी ऑफिसर, हमारी पुलिस मैन, बहुत सारे लोग इस टाइम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम तो फिर भी घर पे बैठे, मैं लाइव ले रही हूँ, आप बात कर रही हूँ मजे से, पर वो बाहर जो पुलिस घूम रही है, या फिर वो डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल में बैठकर इलाज कर रहे हैं उन कोरोना मरीजों का, और उनके लिए, हमारी देश के लिए कोई ऐसा सॉन्ग।
जो इनको डेलीगेट हम कर पाए। दो लाइनें उनके लिए डेडिकेट करना चाहूंगा। हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। सीरियसली, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, बहुत ही अच्छा सॉन्ग आपने डेडिकेट किया इन डॉक्टर्स के लिए, आर्मी ऑफिसर पुलिस मैन के लिए। कोई चक्कर नहीं, लाइट बंद होगी है बट आप मुझे दिख रहे थे, नोट इश्यू, कोई टेंशन नहीं। ओके, मैं बोलना चाहूंगी जो जो हमें वॉच कर रहे हैं, जस्ट कमेंट और लाइक नहीं करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, जितना हो सके वायरल करना है, क्योंकि गौरव कुंडल की आवाज हमें इंडिया तक और पहुंचानी है, क्योंकि हिमाचली इंटरव्यू ले चुकी हूँ, पंजाबी इंटरव्यू ले चुकी हूँ इस टाइम, और मजा आ रहा है कि यार एक ऐसा पर्सन जुड़ चुका है जो 24 ईयर के हैं, जस्ट 24 ईयर, इतनी कम एज में इतना स्ट्रगल, बाय गॉड सलूट है यार ऐसे बंदों को कि लोग कहते हैं यार थैंक यू सो मच, इसको यहाँ नहीं डालेंगे वहां नहीं डालेंगे, वाओ, मतलब बहुत अच्छी बात है, आपके पेरेंट्स का आपको बहुत सपोर्ट है, थैंक यू अंकल आंटी जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं, आगे जाए, आपको ऐसे मैसेज आ रहे हैं, ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जो मैं पढ़ रही हूँ, और मैं भी चाहूंगी कि आप तरक्की करें। एक गाना है जो मैं आपसे सुनना चाहूंगी, ये मेरी फरमाइश है, एक तो मैं मेरे कल होना हो, जो मैं कभी अकेली बैठी हूँ तो जरूर सुनती हूँ, कल होना हो खुदी का है, कल यही है शायद, हर घड़ी बदल रही है, थोड़ा सा है, अगर भूल जाऊं तो उसके लिए माफी चाहूंगा सभी, उसकी जगह मैं और भी जोड़ दूंगा थोड़ा सा, एक और सॉन्ग, दिल का दरिया बह ही गया, इसके बाद तू बन गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया, बातें देखी नजरों ने की, तेरी कसम तो तेरे बिन अभी ना ले गए एक दिन,
तुझे कितना चाहने लगे हम, ओ तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम, दिल का दरिया बह गया। वाह, आपने मेरा फेवरेट सॉन्ग आपको नहीं आ रहा था याद तो नहीं सुनाया, बट मैं दूसरा सॉन्ग भी याद डिमांड आई है, तेरी मिट्टी, तेरी मिट्टी, तेरी मिट्टी सॉन्ग है। एक लाइन आती है सर, जरूर गाऊंगा, ऐसा है नहीं कि मैं गाऊंगा नहीं, बट उसके साथ दूसरा गाना जोड़ दूंगा। साथ मेरा गाना जोड़ दीजिए क्योंकि मेरा एक फेवरेट। हाँ जी, हाँ जी जी, जरूर गाऊंगा मैं, थोड़ा बहुत जो भी मेरे को आता है मैं गाऊंगा जरूर। तेरी मिट्टी में मिल जाए, तेरी मिट्टी में मिल जाए, ओ माही, इसी मूवी का ये गाना है तो मैं ये गाना सुना रहा हूँ। माही मैनु छटे हो ना के तेरे बिना दिल नो लगना, जिथे भी तू चलना है माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना, मैं भी कोई दूसरी दिशा में रखूंगा, क्या तेरे सच्चियां मोहब्बतां वे माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना, हो माही ओ माही, ओ माही, वे मैं तो तेरा मन परया, मन परया बदल दे सारा, दे तू मैनू छड़ जाना, गल्ला तेरिया तो लगदा यारा, लगदा यारा तू सब जानदा है, मैं छक नहीं सकदी तेन तानी तांगड़ा ते रोज नचाने मैं, ओ तू सब जानदा है, छक नहीं सकदी तेन रोज नचाने मैं, अगले जन्म विच लाया साके साके तेजे तेन बना के बना के तेरे ते तेन पता लगना, हो पीता जाता पानी थारा थारा दे तू मैनू छड़ जाना, तेरिया तो लगदा ये गाना और मेरे को याद है, तू कल्ला ही सोना नहीं दादा ना बनिया कर दे, तू कल्ला ही सोना नहीं दादा ना बनिया कर दे, तू कल्ला ही सोना नहीं दादा ना बनिया कर दे, हो थैंक यू सो मच। मजा आया सीरियसली, मैंने इंजॉय किया, आई थिंक ऑडियंस भी जो हमें वॉच कर रही है इस टाइम लाइव वो भी काफी इंजॉय कर रही है, आपको बोल रही है बहुत अच्छी आवाज है आपकी, आई लव दिस सॉन्ग, बहुत आपको पसंद कर रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा। अब आप मेरा सॉन्ग प्लीज सुना सकते हैं जो आप एक
आपने गाना बोला था हिमाचल वाली हयो तिक्की वाली, वो भी एक ही अरे लाइन आती है बट गाऊंगा जरूर। एक्चुअली मेरे को गाने मैशअप करने का बहुत मजा आता है, तो तो मैं आपको दो तीन सॉन्ग और बताती हूँ जो मुझे लगता है कि होनी चाहिए सबको। एक सॉन्ग हाँ है, जी आपने अभी तक सारे मुझे ऐसे थोड़े इमोशनल थोड़े रोमांटिक सॉन्ग सुनाए, तो मैं थोड़ा सा चटपटा सॉन्ग सुनना चाहूंगी और ऑडियंस भी आई थिंक सुनना चाहेगी। चटपटा याद हो, बहुत फेमस हुआ है साकी साकी जी सॉन्ग है, साकी साकी सॉन्ग आई थिंक। जी जी हाँ मैं थोड़ा सा सुनाता हूँ। उसके साथ मैं पंजाबी भी गा दूंगा। सकते हैं प्लीज, कौन हाँ जी तो चक्कर है मेरा, मैं सॉरी। एक और गाना सुनाऊंगा आपको, शायद पसंद आएगा। सो जरूर गा रहा हूँ। सारी दुनिया ने ते दुख दिया सी ने, तेरे जो गरम ने ता छ दिया सी ने, सिंगल सी ने तू भी कली मिल गई, सिंगल सी ने तू भी कली मिल गई, चला दे मैं तू भी चली मिल गई, चला दे मैं तू भी चली मिल गई हो। सारी दुनिया ने भी तो कर दिया सी, तेरे जो कर अपने तो छ दिया सी ने, सिंगल सी मैं तू भी कली मिल गई, सिंगल सी मैं तू भी कली मिल गई, चला गया मैं तू भी चली मिल गई, चला गया मैं तू भी चली मिल गई हो। तेरे गुट नू कड़ा सरदारी डायमंड दी चादर पा दांगे, गुट नू कड़ा सरदारी डायमंड दी चादर पा दांगे। नीना चेत के ले आसी पल्ले आदिके, बेटे जी दे मुरे हाले कट के, सुने आए ले सिरों ने लैनी, एक टाइम वाली जो तुझे ही छट के, रब्बा एडा वड्डा फासला तू साडे विच कौन, ओहो डैडी जी दे कैशी उत्ते कदी जावे, अस साडा बापू जी मेरार कित्थों लै के देने कार, ओहो डैडी जी दे कैशी उत्ते कदी जावे, अस साडा बापू जी मेरार कित्थों लै के देने कार। मुझे सच में मजा आया क्योंकि आप डांस कर रहे थे और मैं थोड़ा बहुत फेस एक्सप्रेशन और डांस कर रही थी, तो आई थिंक हाय प्रिंस गर्ग, हाउ आर यू सर, आई मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। प्रिंस गर्ग कॉमेडियन आप जानते हैं। हाँ जी अंजन जी भैया कैसे हैं आप? बहुत ज्यादा इनसे भी मेरा काफी ज्यादा प्यार प्रेम है, तो इनको भी गुड इवनिंग भैया, कैसे हैं आप? ये मेरे भाई, सगे भाई की तरह हमारा प्यार है दोनों का। वाओ, मैं भी इन्हें मिस कर रही हूँ। मेरे शो की स्टार्टिंग इन्हीं से हुई है, तो जी भगवान करे मुझे सक्सेसफुली शो को मैं आगे तक लेके जाऊं, और डेफिनेटली मैं आप सभी की बहुत मेहरबान रहूंगी कि जब भी हम कभी मिले, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है नहीं मिल पाएंगे, पर जिस दिन मिलेंगे तो पार्टी मेरी तरफ से है। और प्रिंसगढ़ क्योंकि फर्स्ट ही थे हमारे शो के, तो गेस्ट जो हमारे फर्स्ट थे प्रिंस गर्ग सर, तो पार्टी प्रिंस गर्ग सर देंगे पर मेरी तरफ से होगी, वो सारे जी प्रिंस आने वाले हैं पर वो होगी मेरी तरफ से, ये मैं सभी को क्लियर कर दूं। सभी आ सकते हैं उस पार्टी में, डेफिनेटली लॉकडाउन खत्म होने के बाद एक पार्टी प्रिंस गर्ग सर दे रहे हैं और वो मेरी तरफ से है। ओके, आपके लिए सॉन्ग जैसे हमने करे मुझे बहुत मजा आया। मैं वैसे जाने से पहले जी दो तीन क्वेश्चन करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत जरूरी है। जी
क्वेश्चन, आपको पता है मैं क्या पूछने वाली हूँ? अगर प्रिंसगढ़ के शो देख रहे हैं ना तो सच में उनको याद आ जाएगा, क्योंकि मैं आपसे इस टाइम पूछने वाली हूँ क्या आप सिंगल है? अब तो नहीं। वाओ यार, पहले तो मैं आपके लिए क्लैप करूंगी, क्योंकि सीरियसली आपने बोला, मतलब लोग बोलते नहीं है ये चीज, आपने बोला, थैंक यू गौरव। प्रिंस ने शादी के लिए हाँ कर दी है? ओ माय गॉड, ये अभिमन्यु रॉय, मतलब अभिमन्यु सर का मैं आया है कमेंट, गौरव प्रिंस ने शादी के लिए हाँ कर दी है, मतलब पता नहीं बट कांग्रेचुलेशन प्रिंस भैया, बहुत बहुत मुबारक है आपको, और थैंक यू करना जरूर प्रिंसगढ़ सर मेरा, क्योंकि आई नो कि मेरी वजह से आपकी शादी के लिए, आपने शादी के लिए हाँ करी होगी, क्योंकि मैंने आपको बहुत तंग किया था, तो मैं अभी थोड़ा सा तंग सर को करना चाहूंगी, गौरव पंडित सर को। तो पता नहीं आप सिंगल हैं अभी? अभी तो सिंगल नहीं हूँ। वाओ, आपने ये भी बता दिया, वाओ वेरी नाइस। मैं उसका नाम नहीं पूछूंगी, कॉन्ग्रेचुलेशन, और बहुत लकी है वो, थैंक यू सो मच। उसको आप सारा दिन गाने सुनाते होंगे, तो आपकी शादी शुदी का प्लान चल रहा है घर पे? अभी तो नहीं, क्योंकि एक्चुअली मेरा टारगेट अभी बहुत ज्यादा बड़ा है, तो उसको अचीव करके। टारगेट आपका नेक्स्ट टारगेट है इंडियन आइडल? हाँ जी, इंडियन आइडल शो के विनर नेक्स्ट जी। जो नेक्स्ट इंडियन आइडल के ऑडिशन होंगे उसकी प्लानिंग सर कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं कि मुझे अब नेक्स्ट गौरव कौंडल का टारगेट है इंडियन आइडल शो को विन करना जी। यार बहुत अच्छा लग रहा है सर, बताइए क्या प्लानिंग है आपकी इंडियन आइडल शो के लिए? इसके बाद मैं, मेरा यही टारगेट है कि मैं इंडियन आइडल के ऑडिशन दूं, उसको अच्छा परफॉर्म कर पाऊं, और लोग जो एक्सपेक्टेशन है लोगों की उन पे खरा उतर सकूं, और काफी ज्यादा ब्लेसिंग्स ले सकूं सभी की, और इसको जीतूं, तो मम्मी पापा का भी नाम रोशन कर सकूं, और अपने हिमाचल प्रदेश का भी नाम रोशन कर सकूं, वही मेरा टारगेट है अगला। वेरी नाइस। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगी, अभी अभी अभिमन्यु रॉय का कमेंट आया, अभिमन्यु रॉय सर का, गौरव की सिर्फ 5 गर्ल फ्रेंड है। I'm so happy। नहीं, ये wrong। Oh my God, 5? अभी मैंने भैया wrong बोल रहे हैं, बिल्कुल wrong। वो बड़े हैं, वो हंसी मजाक करते रहेंगे आपके साथ, बट कोई बात नहीं, 5, मैं इस चीज को बड़ा नहीं लेती, क्योंकि मेरे लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गर्ल मतलब लड़की, मतलब दोस्त, तो 5 की जगह 10 भी होगी तो नॉट अ बिग इशू, क्योंकि गर्लफ्रेंड मतलब दोस्त होती है, बॉयफ्रेंड मतलब एक अच्छा। मेरा स्टार्टिंग से रहा है कि अगर मैं आपको आज अपनी बात बताता हूँ कि स्टार्टिंग से मेरे को गर्ल्स से डर लगता था, मैं +1 +2 में भी होता था तो काफी ज्यादा डरता था, तो फर्स्ट ईयर में गया तो उस टाइम भी डरता था, नहीं बात नहीं कर पाता था, तो उसके बाद जिंदगी में मैंने एक ही मेरी गर्लफ्रेंड रही है बस। उसके बाद हाँ, मतलब लॉन्ग रिलेशन है आपका, है ना, काफी टाइम से आपने, बट ऐसा हुआ था कि बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है कई बार, तो उस करके नहीं हो पाया वो कंप्लीट, तो अब नेक्स्ट तैयारी है सिर्फ ओनली मैरिज। मैं सच्ची मैं बहुत हैप्पी हूँ गौरव कौंडल जी कि आप जो है फेस टू फेस है, कोई फेक पर्सनैलिटी नहीं है यार, कि यार बंदा यार जो दिल में है वो जुबान पे है, मुझे ऐसे पर्सन बहुत पसंद आते हैं। मैं प्रैक्टिकली जीना पसंद करता हूँ, जो भी सच्चाई पे जीना पसंद करता हूँ, क्योंकि फेक या ऐसा बनना या कुछ ऐसा वैसा मैंने कभी जिया नहीं जिंदगी में, तो हमेशा ही मैं सच्चाई और जो भी होता है उसको, हर एक चीज को क्लियर करके देता हूँ, बस यही मेरा नेचर है। बहुत कम होते हैं आर्टिस्ट जो लाइव आके बोल सकते हैं कि हाँ मैं अपने रिलेशनशिप के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट, मेरा जो फर्स्ट रिलेशन था नहीं रहा है, कोई बात नहीं। मैम आप जो भी है जहाँ भी है, मैं यही कहना चाहूंगी, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, बहुत अच्छे सिंगर है, तो आपके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको क्लियर कर लीजिए, और बहुत अच्छे इंसान है,
पता नहीं, अब वो आपका अपना पर्सनल मैटर है, इतना मैं नहीं बोलूंगी। बहुत प्यार और क्लियर 100% है। लव यू, लव यू बोल रहे अभी मान्यू भाई आपको। लव यू टू ब्रदर। वाओ, ओह माय गॉड, टाइम, आप लोगों ने टाइम नोट किया कि आप लोग गौरव कौंडल को इतना एंजॉय कर रहे हैं कि हम लोगों ने टाइम ही नहीं नोट किया। हाँ जी, हाँ जी। तो एक गाना मैं आपसे जरूर सुनना चाहूंगी दोस्ती के लिए, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त हैं। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, मैं दोस्ती में बहुत बिलीव करती हूँ, मेरे लिए दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक दोस्ती के लिए, और आप मैशअप करते हैं जैसे आप गानों को मिक्स करके गाते हैं, तो मैं दो तीन आपको बता देती हूँ दोस्ती के लिए, प्यार के लिए, उन लोगों के लिए जो तरक्की करते हुए लोगों को कहते हैं कि बस करो भाई हमारा भी नंबर आएगा। ये सब आप मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे मैंने क्या बोला है, कि बहुत से ऐसे होते हैं कि हमें तरक्की करने के लिए रोकते भी है पर चलने भी देते हैं। मैं किसी को ये समझा रही हूँ कि आप पढ़िए और पढ़ते रहिए, और कई बोलते हैं नहीं पढ़ना नहीं है बेटा, आगे बढ़ना है, डॉक्टर बनना है, सिंगर बन जाओ, एक्टर बन जाओ, मैं पढ़ने के लिए कह रही हूँ। दोनों चीजों को हम जैसे मैनेज करते हैं उससे रिलेटेड कोई सीन, और एक प्यार के लिए, दोस्ती के लिए, उन लोगों के लिए जो हमें रोकते हैं, हमारे रास्ते में आ रहे हैं, जैसे आपने मुझे बताया था, थोड़ा सा हिंट दे चुके हैं आप मुझे इस बारे में। तीन, और चौथा सॉन्ग उनके गुरुओं के लिए जो हमें ट्रेनिंग देते हैं। जी, आप कोई भी गा सकते हैं, मैंने जस्ट आपको ओके सर, मैं साथ में एक और गाना अपने प्यार के लिए, अभी ये शिखा जी ने बोला है कि अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, शिखा जी बिल्कुल सिंगल है, शादी नहीं हुई है, कमिटेड भी नहीं है ये लड़का। अब एक गाना स्पेशली उनके लिए जो कि अब मेरी लाइफ में, और शुक्रिया मैं रब का करता हूँ कि वो मेरी लाइफ में है। सो रब, और जो नहीं है उनको भी रब सलामत रखे, जो है वो भी सलामत रहे, चढ़दी कलश रखे रब, उनको बहुत बहुत खुशियां दे। सो उनके लिए गाना, उसके बाद जो दो तीन गाने मैं गाऊंगा। दोस्ती के लिए पहले गाता हूँ, तेरा साथ हो तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ हो तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ हो तेरा साथ हो तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी तेरा साथ हो, ओ खुश तो हूँ मेरी हुन जतिए, हो गए तेरे पूरे हुन चाले, तेरे गुटते कलीरे पै गए, करियां गलाया के बंदना मेरे होके बह जा जतिए, लड़िया ने लाया के बंदना मेरे होके बह जा जतिए, लड़िया ने लाया के बंदना। और गुरुओं के लिए और भगवान के लिए गाना गाना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हूँ आज उस रब की दया से। शुक्रिया शुक्रिया मेरे मौला तेरा, शुक्रिया 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 मेरे मौला तेरा, शुक्रिया तूने सीने से लगाया मेरे सर पे तेरा साया, इसे कायम रखना बस तेरी हो मेहरबानी है, बस तेरी मेहरबानी है। शुक्रिया शुक्रिया मेरे मौला तेरा, शुक्रिया 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 मेरी मैया तेरा, शुक्रिया क्या औकात थी इतनी मेरी, क्या औकात थी इतनी मेरी, ये
है इनायत मेरी, तूने चरणों से लगाया मेरे सर पे तेरा साया, इसे कायम रखना बस तेरी मेहरबानी है, बस तेरी मेहरबानी है। एक लास्ट गाना, जो जो जिसको भी प्यार करते हैं, अपने मम्मी पापा को, अपने भाई बहन को और जिसको भी प्यार करते हैं, उन सभी के लिए गाना। सो मैं यही कहना चाहूंगा और लास्ट में जाते जाते कि लॉकडाउन चला है, शायद ये दिन बाद में आए ना आए, सो हम घर पे हम अपने मदर फादर की सेवा नहीं कर पाते क्योंकि शेड्यूल इतना बिजी होता है सभी लोगों का। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस टाइम में आप अपने मम्मी पापा की भी सेवा करें, अपनी वाइफ को भी प्यार करें, अपने बच्चों को भी, बहनों को भी, सभी को, और जो भी जिसको भी प्यार करे पूरी शिद्दत से करे, अदरवाइज ना करे। मेरा तो यही संदेश। ये आपके बात मुझे बहुत अच्छी लगी। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप 5 मिनट और, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं, सॉन्ग्स की डिमांड आ रही है, तो जरूर जरूर शेयर। एक गाना जो सब जिसके लिए भी, सभी के लिए जो जो प्यार करते हैं। मैनू लोड़ दी दुनिया दाई दी ले मुता, मैं ता चुनिया तू, मैनू हो नहीं कुछ चाहिदा मेरी ता दुनिया तू, मैनू हो नहीं कुछ चाहिदा मेरी ता दुनिया तू, मैनू लोड़ दी दुनिया चुनिया तू, मैनू हो नहीं कुछ चाहिदा मेरी ता दुनिया तू, तेरी मेरी अड़ियणी लगू पिच बटना दी जोड़ी, सुनना चाहते ना तेरा नहीं अज तो होया तेरा, कल सुनना चाहते ना तेरा मैनू नी, मैं चढ़िया फिर घोड़ी तेरी मेरी अड़िए लगू पिच बटना दी जोड़ी, तेरी मेरी अड़िए लगू पिच बटना दी जोड़ी तेरी मेरी। वाओ 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 यार गौरव जी, बहुत ही अच्छे, मतलब मजा आ गया कि आप, मैंने सोचा कि इतने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे को पसंद करेंगे, मतलब आपको पसंद करेंगे, मुझे ऑलरेडी पसंद करते हैं सभी। अभिमान्यु, मेरी भाभी जी वॉच कर रहे हैं, सन्या महाजन, अब मैं बोल देती हूँ, हेलो भाभी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, गुड इवनिंग, आई मिस यू भाभी। ओके, शिखा जी कह रही है कि मेरे लिए कोई सिंगर ढूंढ दो, वो सिंगल है तो वो सिंगर चाहती है अपनी लाइफ में, मैं जस्ट बता रही हूँ। अभिमान्यु सर चाहते हैं उनके लिए गाना आप गा दीजिए, उनके डिमांड आई है सॉन्ग की, मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगाकर, मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा यारा,
यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माया, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा यारा। दो लाइनें गाई मैंने। Oh wow, nice. Okay, thank you Dilpreet ji. जरूर करना है। और रुचि सक्षम, okay Ruchi, how are you? आपसे भी request है, just watch नहीं करना, like share comment आप लोगों की तरफ से। अभिमन्यु भाई दी सॉन्ग फॉलो। okay, तो ये सभी को बहुत मजा आया, मुझे सीरियसली आपके साथ बहुत मजा आया। वॉइस पंजाब के वॉइस ऑफ पंजाब के विनर हमारे साथ गौरव कोंडल जी, थैंक यू सो मच। भगवान आपको बहुत तरक्की दे, आप बहुत सारे शो, चाहे वो इंडियन आइडल है, आपकी शादी जल्दी से हो जाए, कोई सिंगल सिंगल ढूंढ रहा है तो आप लोग एक जाते जाते अभिमन्यु भैया के लिए गाना गाना चाहता हूँ मैं। हाँ जी यार, आपको मिलाने वाली मैं हूँ इस टाइम, मेरे लिए मैं होस्ट, मेरे लिए कोई सॉन्ग आपके लिए एक मिनट मेरे को एक गाना गा रहा हूँ। अगर एक आपको सजेस्ट करूंगा, अगर जैसे आपके हस्बैंड है आपसे कभी भी अगर नाराज हो जाएं तो उनके लिए एक गाना गा देना। कर दाए गुस्सा मेरी निकी निकी गलदा, करदाए गुस्सा मेरी निकी निकी गलदा, सोनिया प्यार चलदा, कहना चाहवां दीवानी मैं दिल दी दिला च रह गए, हो निक दी नाराज जी तेरी कद के नगा लै गए, हो निक दी नाराज जी तेरी कद के नगा लै गए। वाओ वाओ, थैंक यू। वैसे मेरे हस्बैंड नाराज नहीं होते, मैं और सभी को बता दूं, आज तक हमारी शादी को 3 साल होने वाले हैं, मेरे हस्बैंड भी नाराज नहीं होते हैं और वो बहुत अच्छे हैं। तो उनका नाम भी गौरव है, मैंने आपको बताया, गौरव जिनका नाम होता है बहुत अच्छे होते हैं, मुझे पता है वो बहुत शर्मीले होते हैं, मेरे हस्बैंड भी आपकी तरह शर्मीले हैं। तो अभी जाते जाते आप गाना सुनाना चाहते हैं, होस्ट इज मुझे अभी मानु सर ने लेके आया यार, क्या कुछ भी यार, मतलब मैं क्या नहीं, आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, गौरव भैया से भी काफी ज्यादा अच्छा लगा। सो रब आपको बहुत बहुत तरक्की दे और इसी तरह आपका प्यार कायम रहे और बहुत ज्यादा तरक्की, गॉड ब्लेस यू आपको बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच, आपकी मीठी आवाज से मेरे को होस्ट से गोस्ट भी बनाया गया है, माय गॉड, मेरे को याद है अभी लाइव शो के बाद आपको कॉल आएगी पक्का और मैं पक्का बोलने वाली हूँ आपको बहुत कुछ। थैंक यू गौरव जी, आप शिवी मैम नाराज हो जाती है मैं नाराज हो जाती हूँ। तो गौरव जी आप प्लीज अभी मानु सर के लिए गाना गा दीजिए, नहीं तो जो गोस्ट से बोस्ट भी बना देंगे फिर। अखियां नूं जग राते देगी खुशियां मेरिया नाल ही लैगी, ओने जिन्ने सुपने तोरे में सारे गिणदा हां, ओ डोली रिकिनती है मैं तारे गिनदा हा,
ओ डोली किन दिए मैं तारे जिंदा हाँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू गौरव कुंडल जी, बहुत मजा आया। बिलासपुर की वादियों से मैंने आपका टाइम खींचा है, मैंने आपके साथ बहुत सारी गपचप करी है, बहुत सारा मजा किया। चाय की चुस्की के साथ मैं बोलती हूँ कि हमें अपना टाइम स्पेंड करना है। अब मैं जाते रहते, मैं फिर तंग करने वाली हूँ। आपने पानी तक नहीं पिया जब आप गाने गा रहे थे, लोग होते हैं थोड़ा थोड़ा पानी लेते हैं साथ में। जी जी, एक्चुअली गाते वक्त मैं पानी वगैरह पीता नहीं, सो जब भी गाता हूँ तो कंटिन्यूटी से गाता हूँ। वाओ, सलूट है यार ऐसे पर्संस को कि अपने टैलेंट के लिए वो मेहनत कर रहे हैं। गौरव जी, मुझे आपके साथ जुड़ के मेरी एकेडमी स्टेप्स स्विंग एकेडमी को बहुत अच्छा लगा। मेरा शो मैं अपनी तरफ से दिल से स्टेप्स ग्रोइंग एकेडमी का बहुत बहुत दिल से थैंक्स करना चाहता हूँ कि आज मुझे आपके इस चैनल पे मौका मिला गाने का। सो बहुत बहुत थैंक्स आपका भी, गौरव भैया का भी, और अभिमन्यु भैया का भी, सभी का जिनके माध्यम से मैं आज आपके बीच हूँ। सो सभी को बहुत बहुत दिल से बहुत बहुत थैंक्स सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी मेरी जो ये आपको और मुझे जोड़ने वाले पर्सन है वो है हरीश जसवाल, अभिमन्यु रॉय और गौरव महाजन। ये तीन पर्सन है जो मुझे फ्राइडे को बिठाते हैं और बोलते हैं कि शिवित चलो, होस्ट गोस्ट वाला जो मुझे टाइटल दिया गया है ये मुझे याद रहेगा। थैंक यू गौरव जी, जाते जाते कुछ बोलना चाहेंगे ये लॉकडाउन के बारे में, लोगों को कुछ बताना चाहेंगे? मैं लॉकडाउन के लिए यही बोलूंगा कि जितने भी लोग हैं वो घर पे रहें, अपने स्टे सेफ स्टे होम, क्योंकि ये बहुत भयानक बीमारी है कोरोना वायरस, जिससे काफी ज्यादा लोग चपेट में आ गया, बहुत ज्यादा वर्ल्ड पे खतरा मंडरा रहा है। सो मैं यही अरदास करना चाहता हूँ माता रानी से कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और जितने भी लोग हैं उनकी सारी खुशियां वापिस आ जाएं। सो यही कहना चाहूंगा कि अपने घर पे रहें, सेफ रहें, बाहर ना निकले, इमरजेंसी कोई काम हो तभी, अदरवाइज, और प्रशासन का साथ दें क्योंकि वो जो भी हमारे लिए करते हैं वो भलाई के लिए कर रहे हैं, हमारी सबके लिए। सो प्रशासन का बिल्कुल साथ दें। सो सभी स्टे सेफ स्टे होम, और बहुत बहुत थैंक्स स्टेप्स ग्रोइंग एकेडमी का आपका, स्पेशली थैंक्स फॉर योर लव एंड रिस्पेक्ट शिवी महाजन जी, थैंक यू सो मच, और गौरव भैया, हरीश भैया, अभिमन्यु भैया, सभी का थैंक्स दिल से, थैंक यू सो मच। तरफ से मैं आपको थैंक यू बोल रही हूँ। मैं चाहूंगी हम जब भी मिले हम पार्टी करें, क्योंकि प्रिंस गर्ग पार्टी में पैसे जितने लगने वाले हो प्रिंस गर्ग लगाने पार्टी में इनवाइट कर रहे हैं सबको। एसजी रॉक्स, रूही अरोड़ा बोल रहे हैं एसजी रॉक्स, मैं आपको बताऊंगी कि स्टेप्स ग्रोइंग को मैं एसजी रॉक्स के नाम से भी बुलाती हूँ। तो मैं चाहूंगी आप जाते जाते ये एसजी रॉक्स बोल जाए, हैशटैग एसजी रॉक्स, ताकि मेरी एकेडमी को उतना ही प्यार आपसे भी मिले जितना मुझे सभी दे रहे हैं। और मैं, हाँ जी, और मैं कहना चाहूंगा जितने भी सुन रहे हैं मेरे को कि इनकी एकेडमी को बहुत ज्यादा प्यार दें। हैशटैग क्या बोला आपने मेरे को, बताइए जरूर। एसजी रॉक्स, एसजी रॉक्स को बहुत ज्यादा प्यार दें और काफी ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को, इनके चैनल को भी काफी ज्यादा सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, हर सो अपनी तरफ से काफी ज्यादा सपोर्ट करें। सो थैंक यू सो मच सभी का जो भी मुझे सुन रहे हैं, और आपका भी। जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद, थैंक यू सो मच। फाइनली ओके, आप सभी को बहुत मजा आया। जय हिंद मैंने लास्ट में यूज किया है कि जय हिंद मैंने इसलिए बोला है क्योंकि आप सभी को पता है कि जो हालात है हमारे इंडिया में इस टाइम सब बेफिकर है, लॉकडाउन चल रहा है, मतलब चंडीगढ़ को भी आजादी मिल गई है, छूट मिली है, सब घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, मजे इन द सेंस कि अपने वर्क पे जा रहे हैं, वर्क काम एक की जगह दो जा रहे हैं, बहुत बुरा हाल होने वाला है। और ये आप सभी को मैं बताना चाहूंगी क्योंकि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज अभी भी वक्त है, सुधर जाएं, सरकार ने सिर्फ छूट दी है, घूमने की परमिशन नहीं दी, हमें इंडिया को बचाना है, अपने आप को बचाना है, अपनी फैमिली को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, अपने बड़ों को बचाना है। बहुत बुरा हाल हो रहा है चंडीगढ़ का,
रोज इतने केस आ रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते। चलिए, मेरा तो सिर्फ एक सजेशन था, चंडीगढ़ को बचाइए। ओके, बहुत मजा आया होगा, आई होप आप सभी को गौरव कुंडल के साथ, बिकॉज मैंने बहुत इंजॉय किया। मैंने डांस के स्टेप्स किए, एक्सप्रेशन दिए, फुल इंजॉय किया, जो आप सभी ने किया होगा। तो नेक्स्ट फ्राइडे न्यू गेस्ट के साथ, उनकी अचीवमेंट्स के साथ, उनकी स्टोरी के साथ कि उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, कैसे कहाँ तक पहुंचे, मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे 6 PM। जाते जाते रिक्वेस्ट है, भूलना नहीं है, वॉच वीडियो कर रही है तो शेयर भी कीजिए, वॉच पार्टी भी कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। साथ साथ आप लोगों से, गौरव जी कुछ बोल रहे हैं, 1 मिनट। हाँ जी सर, वॉच पार्टी जैसे जैसे आप लोग करें, ओ सर भी देखने लगे हैं, जैसे ही सर ने फोन कट किया सर ने देख वॉच पार, ओ गौरव जी देख रहे हैं। तो मेरा आपसे यही है कि जैसे ही आप कॉल कट, मैं आप लोग डिस्कनेक्ट करने वाली हूं, मैं जैसे ही जाऊंगी आप उसको शेयर कीजिए, शेयर करिए जितने हो सके, जितने घर में फोन है, अगर मुझे प्यार करते तो शेयर करना बनता है, उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और दूसरा जो मैंने आपको बोला है, प्लीज सेफ रहिए, घर रहिए, सेफ रहिए। आज मैंने आपका बहुत टाइम लिया, 1 घंटे का शो था यार, पर्सन इतना अच्छा था गौरव कौंडल की मजा आ गया। से बाय, चाय की चुस्की के साथ, नेक्स्ट फ्राइडे, बाय।